हे गाइस, मैं हूँ सूरज भान एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट काफी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना है या फिर किसी भी और काम के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप इसे चाहे तो खुद से भी बनवा सकते हैं या फिर किसी भी नियरेस्ट CSC सेंटर से भी बनवा सकते हैं। बट काफी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं डिटेल्स में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहला नंबर हमें देना होता है ID प्रूफ, जिसमें आप अपना वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड दे सकते हैं। दूसरा नंबर हमें देना होता है एक एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप अपना राशन कार्ड, बिजली का बिल, आधार कार्ड, इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। दोस्तों, राशन कार्ड कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो उसके जगह पे आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। अगला डॉक्यूमेंट है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमने डाला हुआ है, या फिर डायरेक्ट आप वेबसाइट पे भी सर्च करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म या स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, तो भी आपके सामने आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए। अगला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि आपके इनकम सर्टिफिकेट पे प्रिंट होकर आएगा। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना होता है, जो कि आपके आय प्रमाण पत्र के साथ लिंक हो जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप सिर्फ आधार कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो एंड मोबाइल नंबर, आप सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट से भी अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट बनवाते टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें देना होता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं।